हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रशिया मेट को। हाउ आर यू गाइस? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अभी हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। सो अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। अभी पता नहीं मेरा जो ये एंट्री पास है ये भी काम कर रहा है कि नहीं, अभी मैं गेट पर ट्राई करता हूँ। अगर ये एंट्री पास यहाँ काम नहीं करेगा तो फिर हमको बहुत घूम के जाना पड़ेगा। मीन्स अभी जो गेट है यूनिवर्सिटी का, लगभग 3 या 4 गेट है। सो अभी जो हॉस्टल के बगल वाला गेट है वो नज़दीक में है। फिर अगर यहाँ अगर ये पास काम नहीं करेगा तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, फिर इस पास को मैं रिन्यू कराऊंगा, फिर जाके यूनिवर्सिटी के अंदर हमको एंट्री मिलेगा। अभी मैं गेट नंबर 2 से एंट्री कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ चेक करता हूँ कि मेरा जो पर्पस कार्ड है वो अभी काम कर रहा है कि नहीं। पर्पस कार्ड रशियन में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एंट्री कार्ड, गेट एंट्री कार्ड इसको बोल सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ एक इस टाइप का कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को लगाओ और फिर ये नहीं काम कर रहा है सर, इट्स नॉट वर्किंग। मीन्स अभी हमको फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, अगर ये काम करते रहता है तो ये जो रेड बटन है ये ग्रीन हो जाता है। इस अभी जाके हमको अपडेट कराना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 1 के पास, वहाँ केविन है, 2 नंबर केविन है, वहाँ एंट्री कार्ड को अपडेट कराऊंगा। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग ये हॉस्टल का बिल्डिंग है। मीन्स गेट नंबर 2 से 1 में जाने के लिए अप्रोक्स हाफ किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा। इतना मीन्स हाफ किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस है दोनों गेट के बीच में। अभी मैं पहुंच गया, यही वो बिल्डिंग है जहां मेरा पर्पस कार्ड मींस एंट्री कार्ड जो है वो अपडेट होगा। चलिए फिर अंदर चलते हैं और अपडेट कराते हैं अपना पर्पस कार्ड। यहां भी पहले जो है ना, कहीं भी आप किसी बिल्डिंग में एंटर करो आपको बिना एंट्री कार्ड का आप एंटर नहीं कर सकते। अपना पर्पस कार्ड अपडेट करा लिया और अभी अपडेट पर्पस कार्ड अपडेट करने के बाद यह रहा गेट नंबर 1। अभी मैं यहां से इंटर करूंगा। अभी यूनिवर्सिटी में इंटर करने के बाद अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाना है और आज इंट्रोडक्शन क्लास है। मीन्स आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए आज ज़्यादा क्लासेस नहीं होगा, इंट्रोडक्शन क्लासेस ही है बस आज। ये भी देखते हैं यहाँ काम करता है कि नहीं। ये देखो ये ग्रीन कलर हो गया, मीन्स कार्ड अपडेट हो चुका है और अभी मैं आ गया यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले लाइब्रेरी जाऊंगा क्योंकि बुक्स लेना पड़ेगा सबसे पहले। बुक बिना बुक्स का पढ़ाई कैसे होगा। सो अभी मैं आ चुका हूँ मेन बिल्डिंग, ये हम लोग की यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है, इसको UL के 1 बोलते हैं। अभी मैं इसी के अंदर 1st फ्लोर पे ही लाइब्रेरी है। सो अभी मैं सबसे पहले लाइब्रेरी निकलता हूँ और अपना बुक इशू कराता हूँ और जो लास्ट ईयर का बुक्स है उसको सबमिट भी करना है। सो अभी मैं इसके अंदर जाके सबसे पहले बुक सबमिट करके फिर अपना न्यू बुक इशू कराता हूँ। सो गाइस अभी मैं लाइब्रेरी में जो बुक सबमिट करना था वो सबमिट करा के कुछ बुक इशू करा लिया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ क्लास, आज थेरेपी का क्लास है तो आज फर्स्ट क्लास है तो आज ज़्यादा देर क्लास नहीं होगा, बस इंट्रोडक्शन टाइप में थोड़ी देर का क्लास होगा। सो गाइस अभी मैं निकलता हूँ क्लास के लिए, फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर क्लास। आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ये बिल्डिंग हमारी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसके मिड में है। ये बिल्डिंग पॉली क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक मीन्स हॉस्पिटल, और ऐसा हॉस्पिटल हमारी यूनिवर्सिटी के पास 13th प्लस है जो रोस्टोव सिटी है उसके डिफरेंट पार्ट में लोकेटेड है, लेकिन जो उसमें से 3 हॉस्पिटल्स है वो हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। सो गाइज मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है,
अभी मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप हमारे चैनल रसिया मेडिको को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।